अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और पहली वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एग करी। हम एग करी पूरे अंडों की नहीं बनाएंगे, अंडों को हम फेंट कर उसकी एग करी बनाने वाले हैं। 5 अंडे ले लिए हैं, अब उन अंडों को हम भाप में जमाएंगे। जमाने के लिए हमने ले लिया है एक भगोना और भगोने में भर लिया है पानी। पानी पे रखा है स्टैंड और स्टैंड पे उस पर अपने कटोरे में अंडे हमने पूरे अच्छे से जमा लिए हैं। अंडे जम जाने के बाद अब हम इसको बर्तन में अच्छे से निकाल लेंगे और इनके स्लाइसेस काट लेंगे। स्लाइसेस काटने के बाद हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद अपनी ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें होगा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और 4-5 मैंने बादाम भी इसमें ऐड किए हुए हैं। बादाम डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद हम अब इसे अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद अब इसे हम लोग कर देंगे कवर। ग्रेवी का मसाला अच्छे से पक चुका है, अब इसका हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो पकाने के लिए मैंने लिया है तेल, तेल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा अच्छे से हो गया है, अब उसी ज़ीरे में हम डाल देंगे अपनी ग्रेवी जो हमने पकाई थी। अब ग्रेवी को थोड़ी देर चलाने के बाद अब उसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जैसे हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। इसे तब तक चलाना है जब तक कि हमारा तेल ग्रेवी से बाहर नहीं आ जाता। तेल अच्छे से निकल चुका है, निकलने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे अपने जो एक एक स्लाइसेस काटे हुए थे। अब ये एक स्लाइसेस ना एकदम पनीर के जैसे लग रहे हैं, लेकिन है तो अंडे ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए ये काफ़ी है। इसमें डाल देंगे अपने हिसाब से पानी, जितना आपको पसंद है। पानी डालने के बाद अब इसको चला देंगे और अच्छे से इसको कवर कर देंगे। सर्विंग की वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी।